एप्पल आज विश्व भर में अपनी पहचान बना चुकी है। कला उत्तराखंड से, खासकर कुमाऊं मंडल से आती है। एप्पल का इस्तेमाल हर घर में होता है, फिर चाहे वो किसी लोहार का घर हो या फिर किसी किसान का। यूं मान लीजिए कि एप्पल का इस्तेमाल जीवन के शुरू होने से लेकर जीवन के अंत तक होता है। पूजा और शुभ अवसरों में इसका बहुत ही ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। कुमाऊनी समाज की पहचान समझे जाने वाले पिछौड़े में भी एप्पल कला का ही योगदान है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जिन शाह और ब्राह्मणों को इस कला को बचाने का श्रेय जाता है, उन्हें कुमाऊं के चंद राजाओं ने देश निकाला दे दिया था और करीब 250 साल तक उन्हें कुमाऊं में घुसने नहीं दिया गया था। इस कहानी को भी विस्तार से जानेंगे। लेकिन आज उत्तराखंड में ये लोक कला भारत के नए संसद भवन से लेकर विदेश तक अपना जलवा बिखेर रही है। घुघुती के इस खास पेशकश में हम आपको एप्पल की शुरुआत से लेकर मौजूदा स्वरूप तक हर एक बात बताएंगे। हम आपको एप्पल के इतिहास, प्रकार और महत्व से तो रूबरू कराएंगे ही, इसके साथ ही उस लड़की से भी मिलाएंगे जिसने इस कला को भारत के नई संसद भवन की दीवारों पर उकेरा है। तो एप्पल के बारे में हर एक बात जानने के लिए इस रिपोर्ट को आखिर तक जरूर देखें। तो चलिए एप्पल कला के सफर पर। एप्पल को समझने से पहले एप्पल शब्द को जान लेते हैं। एप्पल एक संस्कृत शब्द अर्पण से बना है जिसका मतलब होता है लिखना। आज ये कला कई लोगों के रोजगार का एक साधन बन चुकी है। सिर्फ इतना ही नहीं, 2021 में एप्पल को GI टैग भी मिल चुका है। देश और दुनिया में तेजी से पहचान बढ़ा रही इस कला को संजोने का प्रयास काबिले तारीफ है। आपने एप्पल देखा और सुना तो होगा ही, लेकिन आज इसे बारीकी से समझ भी लीजिए और इसकी शुरुआत करते हैं इसका इतिहास जानने से। उत्तराखंड में एप्पल के होने की जो जानकारी मिलती है वो चंद्र शासन काल से है। भारतीय पांडे अपनी किताब हमारी सांस्कृतिक विरासत एप्पल में लिखती हैं कि अल्पना यानी एप्पल और भित्ति चित्र यानी दीवार पर बनाए जाने वाले चित्र की परंपरा कत्यूरी या उससे पहले काल में थी, इसका कोई प्रमाण नहीं मिलता। हालांकि चंद्र शासन काल में एप्पल को लेकर चर्चा जरूर रही है। उत्तराखंड के कुमाऊं में एप्पल कला को लाने वाले कौन थे या कौन था, इसकी सटीक जानकारी किसी के पास नहीं है। इस कला में काफी साल से काम कर रही हिमाली कबडवाल भी कहती है कि एप्पल कला कहां से शुरू हुई, कैसे ये उत्तराखंड में आई, इसका कोई पुख्ता इतिहास नहीं मिलता। लेकिन ये माना जाता है कि इसकी शुरुआत अल्मोड़ा के शाह परिवारों ने की थी। तो जैसे इसका स्टार्टिंग माना जाता है, जो अगर हम एप्पल की बात करें तो वो अल्मोड़ा के शाह परिवार से माना जाता है कि वहाँ से जो शाह लोग हैं उन्होंने एप्पल को बनाना स्टार्ट करा। और धीरे 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 पहले तो ये जैसे धार्मिक अनुष्ठान और जो हमारे नॉर्मली पर फेस्टिवल्स होते हैं उनमें बनाए जाते थे, शादी और त्यौहार वगैरह। आगे हम आपको एप्पल कैसे बनाए जाते हैं और इसके कितने प्रकार होते हैं ये तो बताएंगे ही, लेकिन इससे पहले शाह परिवार और ब्राह्मणों से कनेक्शन को जान लेते हैं। भारतीय पांडे अपनी किताब में इस कनेक्शन का जिक्र करते हुए बताती है कि राजा सोमचंद्र और उनके 10 वंशजों का शासनकाल 975 ईस्वी से 1178 ईस्वी तक माना गया है। इस काल में एक घटना का जिक्र होता है। इस घटना के मुताबिक इंद्रचंद्र का चीनी राजा की कन्या से विवाह हो रहा था। स्थानीय जनता इस विवाह के विरोध में थी। ये ज्यादातर वो लोग थे जो बाहर से आकर यहाँ बसे ब्राह्मण और क्षत्रिय थे। इस विरोध की इन लोगों को चंद्र राजा ने सजा दी और इन ब्राह्मणों और क्षत्रियों को कुमाऊं से बाहर निकाल दिया। कहते हैं कि करीब 200 से 250 साल तक ये लोग कुमाऊं में वापस नहीं आ सके। इसके बावजूद भी इन्होंने इस कला को संजो कर रखा। किताब के मुताबिक 1365 में उनकी वापसी कुमाऊं में हुई। भारतीय पांडे अपनी किताब में कहती हैं कि ये कला कुमाऊं में बाहर से आई है। वो कहती हैं कि पहाड़ के राजपूत शासकों के दौर पर एप्पल का जिक्र ना के बराबर मिलता है। ये कला ब्राह्मणों और शाहों में प्रचलित रही है। इससे ये बात साफ हो गई कि कला बाहर से कुमाऊं में आई थी। यही वजह है कि सांस्कृतिक और आध्यात्मिक कार्यकलापों से जुड़ी इस कला में निखार बाहर से आई हुई प्रतीत होती है। इससे एक बात तो साफ हो जाती है कि ये कला ब्राह्मणों और शाहों के साथ बाहर से आई। बाद में इस कला को ठाकुर समाज ने भी देव पूजन और शुभ अवसरों पर अपनाना शुरू कर दिया। शाहों और ब्राह्मणों की एप्पल पद्धति में थोड़ी भिन्नता भी नजर आती है। एप्पल बनाने के लिए आपको ज्यादा सामग्री की जरूरत भी नहीं पड़ती। घर गांव में एप्पल बनाने के लिए गेरू या लाल मिट्टी के साथ चावल पीसकर एक घोल बनाया जाता है। इस घोल को स्थानीय भाषा में बिस्वार कहा जाता है।
इसी के इस्तेमाल से ऐपण बनाए जाते हैं। वैसे तो ऐपण कई तरीकों से बनाया जा सकता है, बदलते वक्त के साथ इसमें अलग अलग रंगों का भी इस्तेमाल होने लगा है, लेकिन आपको आसानी से समझ आ जाए इसलिए हमने इसे तीन हिस्सों में तोड़ दिया है। पहला हिस्सा जगह के हिसाब से होता है, दूसरा हिस्सा आपको बताएगा कि त्योहारों और शुभ दिन में कौन सा ऐपण का इस्तेमाल होता है, तीसरे हिस्से में आपको ऐपण के डिजाइन के हिसाब से बताने की कोशिश करेंगे कि वे कहाँ इस्तेमाल होते हैं। शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से। पहला हिस्सा जमीन पर बनाए जाने वाले ऐपण में आता है, जिन्हें घर की सीढ़ियों और पूजा स्थानों में बनाया जाता है। इसके अलावा दीवारों पर भी बनाए जाने वाले ऐपण होते हैं। ये आमतौर से दो तरीके की दीवारों पर बनाए जाते हैं, एक पूजा स्थल की दीवारों पर और दूसरा रसोई घर में। गांव में पहले घरों को साल में दो बार गाय के गोबर से लीपा जाता था, अभी भी कई गांवों में यही व्यवस्था कायम है। लीपने के बाद पूजा स्थल की दीवारों पर नाता ऐपण बनाई जाती है, वहीं रसोई में लक्ष्मी नारायण ऐपण बनाया जाता है। दीवारों के साथ साथ लकड़ियों की चौकी पर भी ऐपण बनाया जाता है। ये वो लकड़ियाँ होती हैं जो ज़्यादातर पूजा और शादियों में इस्तेमाल की जाती हैं। इसमें कपड़ों में बनाए जाने वाले ऐपण भी शामिल होते हैं। ये ऐपण आपको पिछौड़े में देखने को मिल जाते हैं। पिछौड़े में खोदिया चौकी ऐपण बनाया जाता है। ये जगह के हिसाब से बनाए जाने वाले ऐपण के कुछ रूप थे। अब बात करते हैं कि कौन से ऐपण त्योहारों और शुभ अवसरों पर बनाए जाते हैं। शुरुआत करते हैं दिवाली से। दिवाली के मौके पर महालक्ष्मी चौकी, पत्ता, लक्ष्मी पच्चिन, लक्ष्मी यंत्र ऐपण बनाए जाते हैं। वहीं दशहरा और नवरात्रि के मौके पर दुर्गा पत्ता बनाया जाता है। शिवरात्रि और पार्वती पूजन के दिन शिव पीठ और शिव चौकी बनाई जाती है। वहीं जन्माष्टमी के मौके पर जन्माष्टमी पत्ता बनाया जाता है। त्योहारों के अलावा अगर शुभ अवसरों की बात करें तो पूजा और हवन में आचार्य चौकी, उपासना चौकी और ज्योति पत्ता के ऐपण बनाए जाते हैं। नामकरण संस्कार में सूर्य दर्शन चौकी, स्यो ऐपण और ज्योति पत्ता में ऐपण बनाया जाता है। वहीं जनेऊ संस्कार की बात करें तो इस अवसर पर जनेऊ ज्योति पत्ता और जनेऊ चौकी में ऐपण बनाया जाता है। वहीं तेरहवीं के दिन पीपल पानी के दिन पीपल पानी की रस्म में बिना बिंदु के ऐपण बनाए जाते हैं। अब अगर ऐपण के स्टाइल की बात करें तो आमतौर से ये तीन मुख्य तरीके से बनाई जाती है, जो कि है सिद्ध, दैवीय और लौकिक। सिद्ध स्टाइल में ऐपण जमीन, चौकी, पत्ता, नाता, लक्ष्मी पद चिन्ह और अलग अलग चौकी में इस्तेमाल होता है। वहीं अगर बात करें दैवीय की तो ये दुर्गा पत्ता, द्वार पत्ता में इस्तेमाल किया जाता है। लौकिक स्टाइल में लाइंस और बिंदु का इस्तेमाल होता है, जैसे कि स्वास्तिक। ऐपण कला में बिंदु और लकीरों का बहुत महत्व माना जाता है। ऐपण कला को घरों में बनाने के पीछे जो मान्यता है वो ये है कि इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। ऐपण एक ऐसी कला है जो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती रही। इसमें पहाड़ की महिला शक्ति का बहुत बड़ा योगदान रहा। इस महिला शक्ति में से एक हिमानी कबडवाल ने इसे भारत के नई संसद भवन की दीवारों में भी उकेरा है। जैसे पहुंचे मधुबनी तो वहां जाकर जब हमने काम किया, सारा 8 दिन का नेशनल वुमेन कैंप था जिसमें सारी जो है महिलाओं का काम है। हर स्टेट की ऐसी जानी मानी महिलाएं, जैसे बिहार की दुलारी देवी हैं जो पद्मश्री हैं, वैसे ही अदर स्टेट के भी सारे नेशनल लेवल के आर्टिस्ट और पद्मश्री आर्टिस्ट आए हुए थे। तो वहाँ पर जाके जिस दिन हम लास्ट दिन आ रहे थे, उन्होंने बोला कि अगर आपने काम करते हुए फ़ोटो भी खींची है तो आप इसको अपलोड मत कीजिएगा, क्योंकि ये हमारी संसद की एक दीवार बन रही है, पीपल वॉल। ऐपण सालों से घरों की महिलाओं द्वारा बनाया जाता है। आज भी महिलाएं इस कला को अपनी बहू बेटियों को सिखाती हैं। घरों में बनने वाले ऐपण में ज़्यादातर तीन रंगों का इस्तेमाल होता है, जो कि है लाल, मेहरून और सफ़ेद। घरों में बने ऐपण कला से आपको ये पता चल सकता है कि घर में कौन सा त्यौहार मनाया जा रहा है। ऐपण कला में हर एक बिंदु और डिज़ाइन का कुछ मतलब होता है। पूजा या त्यौहार के हिसाब से अलग अलग पैटर्न बनाए जाते हैं। आज ऐपण कला को भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में प्रसिद्धि मिल रही है। कभी घरों तक सीमित रहने वाली ये अद्भुत कला आज अलग अलग रूप में आपको बाजारों में दिख जाती है। आज इस कला के बलबूते कई लोगों को रोजगार मिल रहा है। यही वजह है कि आज इस कला में नए प्रयोग भी किए जा रहे हैं, जैसे कि अलग अलग रंगों का इस्तेमाल। पहले जहां ऐपण सिर्फ 3 या 4 रंग से बनाए जाते थे, अब लोग इसे कई रंगों और तरीकों से बना रहे हैं, जैसे लाल, सफेद, गेरू और सफेद, और हरा और पीला। जो हरा और पीला यूज होता है वो आचार्य चौकी में होता है, जो शादी के दिन पंडित जी के लिए 2 चौके लिखे जाते हैं, एक वर पक्ष से एक वधु पक्ष से। तो वो पीले रंग से ही बनती थी, लेकिन आज के टाइम पे देखा जाए काले रंग के अलावा सारे रंगों को लगभग शुभ ही माना जाता है। सफ़ेद को वैसा माना जाता था, लेकिन सफ़ेद उसमें स्टार्टिंग से ही है।
तो इसमें वेरिएशन और उसकी क्वालिटी बढ़ाने के लिए, थोड़ा सा उसको अच्छा दिखाने के लिए हम और कलर्स का भी यूज़ करते हैं। और आप जिस रेड और वाइट पेंट की बात कर रहे हैं, स्टार्टिंग में तो वो भी नहीं था, वो गेरू और उसका था जो मिनरल कलर्स हैं। धीरे धीरे चेंजेस आए, तो मैं खुद आज से इसमें 12 से 15 कलर्स में काम करती हूँ, तो वो काफ़ी अच्छा दिखाई देता है। और वो प्रोफेशनली एक मार्केट के लिए है, कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए हैं चीज़ें, कि आपको बहुत ज़्यादा कलरफुल मिलेगा, बहुत ज़्यादा वेरिएशन उसमें मिल रहे हैं। उत्तराखंड की अर्पण कला की अपनी पहचान है, लेकिन ये सिर्फ उत्तराखंड तक सीमित नहीं है। देश के अलग अलग कोनों में ये कला अलग अलग रूप में नजर आती है। हालांकि जगह के हिसाब से इस कला का नाम और बनाने का ढंग कुछ हद तक बदल जाता है, जैसे बंगाल और असम में इसे अल्पना कहा जाता है, बिहार और उत्तर प्रदेश में इसे अरिपन कहा जाता है, राजस्थान और मध्य प्रदेश में इसे मंदना, गुजरात और महाराष्ट्र में रंगोली, साउथ की तरफ जाएं तो वहां इसे कोलम, आंध्रा में मुगू और उड़ीसा में अल्पना कहा जाता है। अर्पण के नाम भाषा के आधार पर अलग अलग हो सकते हैं, इसमें अपन, एपन और आइपन भी शामिल है। अतीत में अल्पना यानी अर्पण जमीन पर ही उकेरी जाती थी, किंतु अब ये लोगों के ड्राइंग रूम तक पहुंच गई है। इसे उकेरने के लिए अब सिर्फ दीवारों और जमीनों की जरूरत नहीं है, अब इसे कांच, रेक्सिन और हार्डबोर्ड पर भी उकेरा जाता है। अवसर विशेष के स्टिकर और कैलेंडर भी मिलने लग गए हैं। इस रिपोर्ट के जरिए हमने आप तक अर्पण से जुड़ी हर बात पहुंचाने की कोशिश की है। फिर भी अगर कोई बात छूट जाए या फिर आपको इसकी कोई जानकारी हो जो हमने इस रिपोर्ट में शामिल ना की हो, तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसके साथ ही अर्पण कला को अपने स्तर पर बढ़ावा देते रहें, ठीक उसी तरह जिस तरह हमें छलिया नृत्य को बढ़ावा देने की ज़रूरत है। अर्पण की तरह हमने आपके लिए छलिया नृत्य की उत्पत्ति का पूरा इतिहास खगोला है, ज़रूर देखिए छलिया नृत्य पर हमारी ये खास रिपोर्ट। इसके साथ ही अगर आपको हमारी ये प्रस्तुति पसंद आई तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।